हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमें डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, सिर्फ वहाँ जाने की ही तो बात है, सिर्फ उससे पूछने की ही तो बात है। तो उस टाइम पे हमें चाहे कितने भी अच्छे से टेंसेस क्यों ना आते हों, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बट अगर आपको इन टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर पता है, तो आप इजीली उस सेंटेंस को इजीली बना पाओगे। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे, सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, यहाँ पे ये आएगा कि ही तो बात है, वहाँ पे आपने इस फ्रेज को याद रखना है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ। तो इससे से आपके सारे सेंटेंस बन जाएंगे, लाइक सिर्फ एक दिन की ही तो बात है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ वन डे, सिर्फ वहाँ जाने की ही तो बात है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ गो देयर, सिर्फ उससे पूछने की ही तो बात है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ आस्किंग हर, एक ने वाला लेने की ही तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग अ बाइट, एक ही हफ्ते की तो बात है, मैं आ जाऊँगा, इट्स अ जस्ट मैटर ऑफ वन वीक, आई विल कम। नेक्स्ट है इन अ वाइल, जब सेंटेंस में होगा थोड़ी देर में, तो आपने यूज़ करना है इन अ वाइल। तो इसका रूल जो है, सेंटेंस प्लस इन अ वाइल, पहले आपका सेंटेंस आएगा और लास्ट में इन अ वाइल। सो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, आई विल गो इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगा, I will call in a while. अगर होगा मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, तो I call in a while. तुम थोड़ी देर में पिटने वाले हो, You are about to be beaten in a while. मैं थोड़ी देर में बात करने वाली है, She is about to be talked in a while. या फिर मैं थोड़ी देर में आने वाली है, She is about to be come in a while. नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ, के बजाय या के स्थान पर। जब भी किसी सेंटेंस में आता है के बजाय, तो हमने इस फ्रेज को याद रखना है इंस्टेड ऑफ। तो इसका रूल समझ लेते हैं, सेंटेंस प्लस इंस्टेड ऑफ, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। मेरे पिताजी ने मुझे मोबाइल के बजाय घड़ी दी, My father gave me a watch instead of mobile. तुम कॉफ़ी के बजाय चाय पी सकते हो, You can take tea instead of coffee. स्कूल जाने के बजाय वो बाजार जा रहा है, He is going to market instead of going to school. कमरे में सोने के बजाय वे छत पर सोता है, He sleeps on the roof instead of sleeping in the room. अंग्रेजी रटने की बजाय सीखो, Learn English instead of cramming. बक बक करने की बजाय मैं चुप रहना पसंद करता हूँ, I like to keep silent instead of talking nonsense. तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही फ्रेजेस मैं और लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।